100 गर्लफ्रेंड्स के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 100 गर्लफ्रेंड्स एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोगों को देखने को मिला था रेंटरो के सारे गर्लफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाने वाले हैं स्विमिंग पूल पे डेट के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कारा ने डेट के लिए स्विम सूट खरीदने के लिए जाती है, लेकिन थोड़े शाय होने की वजह से उसको स्विम सूट खरीदने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन आखिर में जाकर वो भी एक स्विम सूट चूज कर लेती है और फाइनली जाकर डेट का दिन आ जाता है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने चॉइस के स्विम सूट पहन के आते हैं। शिजुका ने यहाँ पर स्कूल स्विम सूट पहना था जिससे वो अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन रेंतारो बोलता है नहीं शिजुका चान, तुमने अपने स्कूल स्विम सूट पहनकर बहुत ही ज्यादा मॉडेस्टी दिखाया है, तो मैं इसके लिए तुम्हें A+ ग्रेड देना चाहूंगा। रेंटरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंखों से आंसू निकल के आते हैं। इसके बाद रेंटरो पूछता है वैसे कारा ने कहां पर है। कारा ने यहां पर हाकरी के पीछे छुपी हुई थी। रेंटरो को लगता है कारा ने अपने स्विम सूट घर पे ही भूल के आई है, लेकिन असल में कारा ने को अपना स्विम सूट दिखाने में शर्म आ रही थी, तो वो सभी को बोलती है तुम सभी पूल पे जाओ, मुझे थोड़ा ठंडी लग रही है, जब मैं गर्म हो जाऊंगी तब मैं पूल पे आ जाऊंगी। सभी लोग यहाँ पर पहले पहले झिझकते हैं, लेकिन आकर उन सबको जबरदस्ती पूल पे भेजती है। एआई यहाँ पर जाने से पहले बोलती है थोड़ी देर धूप में रहो तो तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। कारा ने बोलती है शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन लोगों के साथ जाकर मजे उठा सकती हो। एआई बोलती है मैं तुम्हारे साथ उतना भी ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ। इसको सुनने के बाद कारा ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो एआई को किक कर देती है, लेकिन एआई इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डॉच कर लेती है। इसके बाद सभी कोई चारा न देखकर स्विमिंग पूल पे चलते हैं। स्विमिंग पूल काफी ज्यादा बड़ा था। मौका देखकर यहाँ पर हाकारी अपना चाल चलती है और अपने बड़े बड़े संतरे को रेंटरो के हाथ में प्रेस करती है, जिससे रेंटरो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे थे। दूसरी तरफ उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर एआई अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा जिलस फील कर रही थी, लेकिन इसके बाद एआई रेंटरो को हाथ लेकर अपने संतरे के ऊपर देती है। हाकारी भी बहुत ही ज्यादा जिलस हो जाती है और हाकारी भी बिल्कुल एआई की तरह करती है। अभी रेंटरो के दोनों हाथ में दो दो बड़े बड़े संतरे थे और वो दोनों अपने अपने संतरे को बहुत ही ज्यादा जोर से स्क्वीज कर रहे थे। एआई बोलती है मेरा वाला ज्यादा गर्म है, हाकारी बोलती है मेरा वाला ज्यादा सॉफ्ट है। एआई और हाकारी जब अपने संतरे को लेकर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ पर रेंटरो एम्बेरसमेंट के चलते बेहोश हो जाता है। इसके बाद एआई और हाकारी रेंटरो को किनारे पे लेकर आते हैं। रेंटरो अभी भी बेहोश हालत में था, तो हाकारी सोचती है अभी वक्त है माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट का। हाकारी के लिए ये रेंटर को किस करने का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका था, तो हाकारी चांस पे डांस करती है और रेंटरो के साथ माउथ टू माउथ कांटेक्ट करती है और रेंटर को होश में लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एआई इसको देखकर और भी ज्यादा जिलस हो जाती है और एआई भी रेंटरो के साथ माउथ टू माउथ कांटेक्ट करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर शिजुका स्विमिंग पूल के बीच में ही फंस जाती है। स्विमिंग पूल का पानी तेज होने की वजह से वो कहीं और ही बहकर चली जाती है और वो हाकारी और बाकी सब से बिछड़ जाती है। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे तैसे करके वो किनारे पे पहुंचती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रेंटारो को अभी भी होश नहीं आया था, अभी उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को आगे क्या करना है। तभी हाकारी बोलती है हमें जल्द से जल्दी किसी स्टाफ मेंबर को बुलाना होगा और रेंटारो को रेस्क्यू करने को बोलना होगा, स्पेशली अगर वो कोई मेल पर्सन हो। इसके बाद वो दोनों भागकर किसी स्टाफ मेंबर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ छिछोरे लड़के हाकारी का रास्ता रोक लेती है और हाकारी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। हाकारी यहाँ पर उनको अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसको वो लड़का जैसे पीछे से हाकारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने ही वाला था, तभी एआई उसको रोक लेता है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसके आंखों में घुसा देती है, जिससे उस लड़के के बाकी दो दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं तुम दोनों हॉट हो, इसलिए तुम दोनों हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लगता है तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो एक तरफ रेंटरो बेहोश हालत में था, दूसरी तरफ हाकारी और एआई को लड़के छेड़ रहे थे और तीसरी तरफ यहाँ पर शिजुका खो चुका था। एआई और हाकारी काफी ज्यादा बड़े मुश्किल पे थे। एआई यहाँ पर बोलती है ठीक है फिर तो मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ रुकूंगी, लेकिन हाकारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन एआई बोलती है हाकारी तुम्हें जाकर कोई मेल स्टाफ को ढूंढना ही पड़ेगा और रेंटर को बचाना पड़ेगा और ये करने का यही एक तरीका है। हाकारी बोलती है लेकिन एआई सान तुम अपने आप को ऐसे जोखिम में क्यों डाल रही हो। एआई बोलती है मैं जानती हूँ रेंटर तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा केयर करता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा। हाकारी बोलती है तो रेंटर कौन तुम्हारे बारे में भी चिंता करते हैं। एआई बोलती है अगर हम दोनों तुमसे पहले डेट करना शुरू करते तो शायद बात कुछ अलग होती, लेकिन रेंटरो तुम्हारे बारे में ज्यादा केयर करता है। दूसरी तरफ वो लड़के एआई और हाकारी के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाल रहे थे।
लेकिन हाकरी बोलती है हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसके बाद हाकरी एआई को लेकर एक बार फिर से वहाँ से जाने लगती है। वो दोनों जैसे वहाँ से जाने लगते हैं वो दोनों लड़के फिर से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रेंटारो बीच में आ जाता है। रेंटारो बोलता है वो मेरे गर्लफ्रेंड्स है, उनको अकेले छोड़ दो। वो लड़की बोलता है इनमें से इस लड़की ने हमारे दोस्त को चोट पहुंचाया है तो हम भी इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। रेंटारो बोलता है ठीक है फिर, अगर एआई सर ने तुम लोगों के साथ कुछ गलत किया है तो तुम सभी मेरे साथ घूम सकते हो। वो लड़का बोलता है अरे भाई हम लोग लड़की के साथ क्यों घूमेंगे, ठीक है तो बता तेरा गर्लफ्रेंड कौन सा है, तेरे गर्लफ्रेंड को तू लेकर जा और बाकी को छोड़कर जा। रेंटारो बोलता है वो दोनों मेरे गर्लफ्रेंड है। इसको सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो लड़का बोलता है क्या वो दोनों तेरे गर्लफ्रेंड है, ठीक है तो प्रूफ करके दिखा। इसको हाकर ही और एआई रेंटारो की गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं वो प्रूफ करने के लिए रेंटारो को ऑन द स्पॉट किस करते हैं, जिसको देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद कोई चारा न देखकर उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। हकरिया पर पूछती है तो रेंटारो कौन, तुम्हें होश कब आया। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर कारा ने पूरे टाइम यहाँ पर हकरी और एआई के चेस्ट की तरफ देख रही थी। तभी हकरी नोटिस करती है रेंटारो यहाँ पर बेहोश पड़ा है और दूसरी तरफ कुछ लड़के हकरी और एआई को छेड़ रहे थे। तो कोई चारा न देखकर यहाँ पर कारा ने रेंटारो को उनको जगाने की कोशिश करती है और रेंटारो भी एआई और हकरी मुश्किल में है ये सुनकर तुरंत जाग जाता है। ये कहानी सुनने के बाद हकरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद रेंटारो हकरी को एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया कहता है। एआई यहाँ पर बोलती है मैं जानती थी कि तुम हकरी के बारे में कितना ज्यादा केयर करती हो, लेकिन यहाँ पर रेंटारो बोलता है लेकिन एआई सान तुम अपने आप को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकती, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता। वो सभी जब यहाँ पर बात कर ही रहे थे तभी रेंटारो नोटिस करता है कि शिजुका यहाँ पर नहीं है। रेंटारो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो तुरंत भागकर शिजुका को ढूंढने लगता है। वो जोर जोर से शिजुका को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ पर शिजुका का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अभी शिजुका क्या करे शिजुका को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे रेंटारो की वॉइस सुनती है वो करेज जुटाकर रेंटारो को बोलती है रेंटारो कुन मैं यहाँ पर हूँ। शिजुका का आवाज सुनकर रेंटारो तुरंत शिजुका को बचाने के लिए चला जाता है और शिजुका को अपने गोद पे उठा लेता है। यहाँ पर शिजुका रेंटारो को किस भी करती है। इसके बाद रेंटारो के सारे गर्लफ्रेंड एक साथ एक बार फिर से रियूनाइट होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कारा ने अभी भी स्विमिंग पूल पे जाने के लिए राजी नहीं थी। तभी रेंटारो बोलता है मैंने नोटिस किया तुम पूरे टाइम एआई और हकरी के चेस की तरफ देख रही थी, मेरे ख्याल से तुम अपने आप को उन दोनों से कंपेयर कर रही थी। हकरी यहाँ पर बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। रेंटारो बोलता है हमें जानता हूँ उन दोनों के संतरे थोड़ा ज्यादा बड़े हैं, लेकिन तुम और शिजुका एक हाई स्कूल लड़की होने के नाते बिल्कुल परफेक्ट हो, तो तुम्हें इसके बारे में बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। कारण यहाँ पर बोलती है शिजुका चांद तो क्यूट है लेकिन मैं बरी हूँ और क्यूट भी नहीं हूँ। कारण जब ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी अचानक से रेंटारो कारण के ऊपर का कपड़ा हटा देता है। कारण इससे रेंटारो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ रेंटारो कारण का स्विम सूट देखकर अमेज्ड हो जाता है और बोलता है हे कारण तुम्हारा स्विम सूट तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके बाद अचानक से रेंटारो कारण को हक कर लेता है। रेंटारो कारण को गले लगाकर बोलता है कारण क्या तुम फील कर सकती हो कि मेरा दिल कितना ज्यादा तेजी से धड़क रहा है और तुम्हारा दिल भी बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। रेंटारो यहाँ पर बोलता है कारण तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद उन दोनों का हक सेशन खत्म होता है। रेंटारो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी ठंडी लग रही है। कारण बोलती है नहीं। रेंटारो बोलता है ठीक है फिर चलो जाकर देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। स्विमिंग पूल पे वापस जाने से पहले रेंटारो यहाँ पर कारण को किस भी करता है और वो मनी मन सोचता है कारण बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा क्यूट है, मैं कारण को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कारण भी सोचती है मैं रेंटारो को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसके बाद रेंटारो के सारे गर्लफ्रेंड मिलकर स्विमिंग पूल पे एंजॉय करते हैं। और इसके नेक्स्ट दिन जब रेंटारो और रेंटारो के सारे गर्लफ्रेंड स्कूल में एक बार फिर से जा रहे थे तभी रेंटारो को जाते वक्त साइंस लैब के एक लड़की को देखकर फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। एंड अभी बारी थी रेंटारो के पांचवे गर्लफ्रेंड का। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।